हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का सुजीता किचन में। तो आज हम आपके लाए हैं ककौड़े की भुजिया रेसिपी, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है। तो चलिए इस रेसिपी को करते हैं बनाना स्टार्ट। भुजिया बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर ककौड़ा लिया है। ककौड़े को हमने अच्छे से धो लिया है और अब हम ककौड़े को छीलेंगे। ककौड़े के हम सबसे पहले ऊपर और नीचे वाले पार्ट को कट कर लेंगे और इस तरीके से हम चाकू से इसे छील लेंगे। ये देखिए, हमें इस तरीके से छिलका छीलना है और इसी तरीके से हम सारे ककौड़े को छीलकर तैयार कर लेंगे। ककौड़े को हमने अच्छे से छील कर और इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। तो चलिए अब हम ककौड़े को कट कर लेंगे। तो पहले हम इसके दो बड़े पीसेस कट कर लेंगे और इसे बहुत ही पतले पतले पीसेस में कट करेंगे इस तरीके से। तो ये देखिए, हम इस तरीके से ककौड़े की पीसेस को कट कर लेंगे। पहले बड़े पीसेस में हम कट करेंगे, उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पतले पतले पीसेस को कट कर लेंगे। और ककौड़े की भुजिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। अगर आप इस तरीके से बनाकर ट्राई करेंगे तो आपकी जो ककौड़े की भुजिया है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो इसी तरीके से हम सारे ककौड़े को कट कर लेंगे। ककौड़े को हमने अच्छे से पतली पतली पीसेस में कट कर लिया है और अब हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिया है। कढ़ाई में हमने एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाला है। तेल को अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम कर लेंगे। तेल अच्छे से हाई फ्लेम पर गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे कटी हुई सूखी लाल मिर्च, दो बड़े साइज के कटे हुए प्याज। अब हम प्याज को अच्छे से हाई फ्लेम पर चला चला कर 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। प्याज को हमने अच्छे से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर चला चला कर फ्राई कर लिया है और अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए ककौड़े। अच्छे से चला लेंगे और अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और अच्छे से नमक को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे ढककर 10 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और इसे बीच बीच में चेक भी करते रहेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमारा जो ककौड़ा है वो देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। और अब हम ककौड़े को अच्छे से चला लेंगे। ककौड़े को हमने अच्छे से चला लिया है और करछी से हमने ककौड़े को कढ़ाई में फैला लिया है और इसे 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर एक साइड से और भी अच्छे से फ्राई होने देंगे। ककौड़े को हमने एक साइड से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसे थोड़ा सा हाई फ्लेम पर अच्छे से चला चला कर फ्राई कर लेंगे। तो अब हमारा ककौड़ा बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर लेंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो बनकर तैयार है हमारा गर्मा गर्म ककौड़े की भुजिया, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हुई है। आप इसे रोटी या गर्मा गर्म पराठे के साथ बहुत ही मज़े से खा सकते हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी ककौड़े की भुजिया की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।